हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है 10 अक्टूबर और आज हम जा रहे हैं पांगी अपने घर, क्योंकि 14 अक्टूबर से फुल यात्रा स्टार्ट है। 3 दिन चलेगी फुल यात्रा। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गए, मतलब मैंने फुल यात्रा नहीं देखी है। सो मैं सोचा क्यों ना इस बार देख लूँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने घर। तो अभी भाई सो रहा है और गाड़ी आएगी 6:30 बजे के करीब। अभी बज रहे हैं 5। सो मैं जल्दी से थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और आजकल 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार, ज़ुकाम, गले में खराश। तो आज थोड़ी सी ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा ठीक तो नहीं है, पर थोड़ी ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं घर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलो, अभी मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊँगी आपको। बाय। हे गाइस, तो हम तैयार हो चुके हैं, अभी गाड़ी आने वाली है, भुंतर में है। सो ये देख सकते हैं आप, मैंने और मेरे ब्रदर ने आज ट्रेनिंग की है। हेलो, खुश है घर जाने के लिए? ये पहली बार फुल यात्रा देख रहा है, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन हुई है वो जम्मू से हुई है। सो ये पहली बार जा रहा है घर में फुल यात्रा देखने के लिए। तो देखेंगे इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहता है रास्ते में। तो 2 लड़कियां और भी है हमारे साथ चलेंगी, जो कॉलेज में होती है यहाँ पे। सो वो तो हॉस्टल से आएंगी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कब गाड़ी आएगी और जाएंगे हम अपने घर को। हेलो गाइस, आ गए हैं, अभी हम जाएंगे अपने घर को। बाय। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा था, ख़राब भी नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। बट थोड़ी दीदी को जुकाम लगे, तो इनका सफ़र अच्छा नहीं रहा, हमारा तो बहुत अच्छा रहा। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और सुबह से हमने खाना नहीं खाया है, अब खाना खाएंगे, मिलते हैं, आवाज़ भी चली गई है। अब मिलते हैं हम आपको खाना खाने के बाद। हेलो गाइज, हम यहाँ बीच रास्ते में फंस चुके हैं, क्योंकि आगे मशीन लगी थी तो इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 4:30 हो गए हैं, मुझे लगता है हम रात को ही पहुँचेंगे 8-9 बजे घर। तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, बीच मझधार में हम फंस गए हैं, ना सिग्नल है, ना लाइट है, ना ड्राइवर है, ड्राइवर भी चला गया है, का मकान है। ये देखिए हमारी शक्ल कैसे कैसे भूत बड़ी लग गई है, ये तो सो के उठी अभी है। जिंदगी रात हो जाएगी हमको आज घर पहुँचते। सिग्नल भी नहीं है, घर वालों को फोन भी नहीं कर सकते। चलो अब वेट कर लेते हैं कब तेल पहुंचेगा, कब मशीन साइड लगेगी और हम जाएंगे अपने घर को। एक तो जुकाम लगा है, देख सकते हैं नाक बिल्कुल। ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितने बड़े ट्रैफिक और पीछे फंस चुके हैं सब। और आप ये पहाड़ी देख सकते हैं, देखो ये देखिए इनकी कैसी हालत हो गई है, ठंड हो गई यहाँ पे। और ये भी अभी बेचारे ठंड से तप रहे हैं, इतनी पीछे तक वो लगी है। देखिए
गाइस हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, जहाँ सोच रहे थे जल्दी घर पहुँच जाएंगे वहाँ लेट पहुँच जाएंगे। ये हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया और ये बस भी यहाँ पे फंस गई है। टूर्नामेंट वाले बच्चे हैं इसमें एकलव्य स्कूल के, और हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया है यहाँ पे। हम इसको चेंज कर रहे हैं अभी, तो ये बिल्कुल सही नहीं हुआ हमारे साथ। ओके बाय। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड। इतने कष्ट खाने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे कल लंगर लगेगा बस स्टैंड में, तो बहुत अच्छी सजावट हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। फाइनली ना जा जा, दो कैरी बैग भी आ रही थी भाई, इतना अंधेरा है ना इधर, क्या ही दिखाना है। नमस्ते, बस बस। तो गाइस खाना खा के आ चुके हैं हम अभी सोने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है, ऊपर से मैं 3 दिन से बीमार हूँ, अभी तक मेरा ज़ुकाम जो है ठीक नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। रास्ते में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई, कभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो कभी रास्ता ख़राब हुआ। तो अभी जल्दी से सो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल सुबह। सो बाय बाय, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हो चुका है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि एक तो मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो मैं आज दवाई लूँगी मेडिकल स्टोर से, और दूसरा भाभी इन्होंने कुछ सामान लेना था तो ज़बरदस्ती ले गए मुझे आज मार्केट। सो ये पीछे से आ रहे हैं, और आज लंगर भी है वहाँ पे, माता रानी का लास्ट नवरात्र है तो वहाँ पे लंगर लगने वाला है आज, तो मैं खाऊंगी लंगर। बहुत टाइम से मैंने लंगर नहीं खाया है, सो आज मौका मिला है तो सबसे पहले खाएंगे लंगर, उसके बाद जाएंगे हम सामान लेने जो भी इन्होंने लेना होगा, और मैं अपने लिए दवाई लाऊंगी। सो चलो मैं जैसे ही बस स्टैंड पहुँचूँगी तो फिर तब दिखाऊँगी मैं आपको। बाय गाइज, ये है पांगी का बस स्टैंड, और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं टेंट लगे हैं, यहाँ पे लंगर शुरू हो चुका है, अभी हम खाएंगे लंगर। और ये हमारे साथी लोग। हेलो गाइस, ये रोज लंगर खा रहे हैं, रजते ही नहीं, अभी पिछले कल लंगर खा के आए, आज फिर से लंगर खाने आ गए हैं। घर में खाना इनसे बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता? हमसे खाना भी बनता, लंगर खाना भी जरूरी है। ये है बस स्टैंड यहाँ का, ये देखिए आगे हमारे। नमस्ते, कब आए? पिछले कल। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लंगर शुरू हो चुका है। गाइज आप देख सकते हैं पांगी का हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत बना है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, जैसे उद्घाटन होगा फिर उसके बाद सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है। और हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे जो भाभी के सिस्टर है उनका छोटा बेबी बीमार हो गया है, उनको थोड़ा सा फीवर आ गया है तो उनको एडमिट किया है यहाँ पे, तो उससे मिल के आते हैं हम, उसके बाद जाएंगे मार्केट सामान लेने के लिए। तो गाइज अभी हम आए हैं सूट की शॉप पे, भाभी ने सूट लेना था यहाँ पे तो ले लिया हमने इन वाले भैया से सूट, ये देख सकते हैं आप। ये हूँ मैं यहाँ पे, ठीक ठीक है। सिवरेज का काम चला है यहाँ पे, रोड का बहुत ज्यादा खस्ता हाल है, सकते हैं यहाँ पे फ्लैतरा की दुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी है। हेलो गाइस, अभी हम जलेबी खाने आए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हाँ
हेलो गाइस, तो अभी जा रहे हैं हम ताऊ के घर पे। सेब खाने का मन कर रहा था तो उनका बगीचा है सेब का, तो अभी खाएंगे सेब। उन्होंने सामान मंगवाया था, कुछ बच्चों के कपड़े थे इसमें, तो वो पहुंचाएंगे। फिर एप्पल भी खा के आएंगे वहाँ से। तो अभी जा रहे हैं हम नीचे। गाइस, आजकल इतनी तेज धूप निकलती है ना दिन में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे भी। नहीं तो पांगी में ऐसा नहीं होता था, फुलाकरा तक बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती थी, लेकिन इस बार मौसम अच्छा है तो हमें भी मज़ा आ रहा है। मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, ये देख सकते हैं अभी भी पेड़ों से पत्ते नहीं गिरे हैं। देखिए आप, अखरोट का पेड़ हर जगह, अखरोट, खुमानी और बहुत सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा हरियाली है अभी भी। गाइज, ये है चाचू इनका बगीचा एप्पल का, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खा रहे हैं? सेब। ये देखिए इनको, पूरे दिन जिस दिन छुट्टी होती है ये इनको बस सेब खाने का काम, अपना पेट सेब से भर लेते हैं ना, है ना? बहुत ही ज्यादा टेस्टी सेब होते हैं हमारे पांगी के। है ना टेस्टी। चलो अखरोट खाएंगे, अभी हम जा रहे नीचे, अभी खाएंगे अखरोट। ये देखिए दोस्तों, मुझे एक अखरोट मिल चुका है। अभी हम नीचे वाले खेत में जाएंगे। हे भगवान, अति दूर दारू से। ये देखिए दूसरा अखरोट भी मिल चुका है। गुड गुड, चलो थैंक यू। एक यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये अखरोट चोरने के लिए आए हैं। हेलो दोस्तों, मुझे इतने सारे अखरोट मिल चुके हैं। दोस्तों लड़कियां हमारी बहुत तेज पत्थर से मार मार के अखरोट नीचे गिरा रहे हैं ये। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? चोर रहे हैं अखरोट, चोर रहे हैं। ये देखिए, हमने इतने अखरोट इकट्ठा कर दिए जो खुद ही गिरे थे पेड़ से हवा के जरिए। ये मेरा भाई, अभी हम खाएंगे यहाँ पे अखरोट। नहीं, अपने लिए दूसरे पत्थर लेके आओ। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बोल